तो भाई लोग क्या हाल चाल। तो यार आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लैपटॉप के बारे में जो कि अंडर 60,000 आता है। और काफ़ी टाइम से मैं ऐसे लैपटॉप्स की बात कर रहा था जो थोड़ा बजट में हाई चले जाते हैं। बजट में हाई इन द सेंस 70,000 80,000 या फिर 1 लाख पार के लैपटॉप्स। एंड जो 60-70 हज़ार वाली जनता है ना वो बेसिकली रह रही थी। तो उनके लिए मैं एक लैपटॉप लेकर आया हूँ। अमेजोन की प्राइम डे की सेल चल रही है तो वहाँ पर मेरे को दिखता है MSI का साइबॉक 15 जो कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर करता है और सेल में ये अंडर 60,000 देखने को मिल रहा है। हालांकि जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी तब तक सेल खत्म हो चुकी होगी और आई थिंक इसका प्राइस 60,000 से ऊपर चला जाएगा। बट अगर ये एक बार 60,000 के अंडर आया तो आगे भी छोटी मोटी सेल्स में ये 60,000 के अंदर आता रहेगा। तो हम इसको ज़्यादातर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अंडर 60,000 वाला लैपटॉप है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसी स्पेसिफिकेशन ये ऑफर करता है और क्या इस लैपटॉप को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि MSI बहुत अलग अलग लैपटॉप निकालता रहता है और लोगों के मन में एक शक होता है कि यार क्या ये लैपटॉप हमको लेना चाहिए। तो सारी बातचीत आज की वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आती है लाइक ज़रूर कर देना, ऐसा बढ़िया बढ़िया कंटेंट और देखना चाहते हो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। भाई सब्सक्राइब मारो यार, बहुत ज़रूरत है सब्सक्राइबर्स की। और बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का कार्यक्रम शुरू कर लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन से। तो ये जो लैपटॉप आता है ये आता है इंटेल के i5 12 जनरेशन के साथ। ये है 12450H और यस ये काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। i5 12500H जैसे ही परफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ सिंगल कोर, लेकिन मल्टी कोर में हल्का सा पीछे रह जाता है। बट रियल लाइफ में आपको इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यस अगर ये प्रोसेसर हमको अंडर 60,000 मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। बाकी कैसा काम इस प्रोसेसर से आप कर सकते हो वो भी हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। और इसके अंदर हमको जो GPU देखने को मिल जाता है वो है RTX का 2050 और 2050 अपनी मैक्स TGP वाला 45W वाला, और 45W से ऊपर वाला 2050 है ही नहीं एक्चुअल में। तो यही इसकी मैक्स TGP है। और सही बताऊं तो अब 1650 वाले लैपटॉप्स नहीं आने वाले हैं, जितने भी नए लैपटॉप्स आने वाले हैं वो 2050 के साथ ही आएंगे। तो एक टाइप से 1650 को रिप्लेस कर चुका है 2050, और 1650 से ऑब्वियसली काफ़ी बेटर परफॉर्म करता है। और कितना बेटर परफॉर्म करता है अगर आप जानना चाहते हो कि मैं 1650 वर्सेस 2050 वाली वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना। मेरे को सिंगल कमेंट भी दिखेगा तो मैं बना दूंगा, बाकी नहीं दिखता है तो मैं फिर भी बना दूंगा क्योंकि कंटेंट की कमी चल रही है और मेरे को कंटेंट चाहिए। तो अपने कंटेंट आइडियाज़ मेरे को दो यार भाई, मतलब कमेंट मारो भाई, एल्गोरिथम दौड़ा दो, बस कमेंट मारो कि भाई ये आइडिया है या कुछ भी कमेंट मारो, लेकिन कमेंट मारो ठीक है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। तो ये वाला हमको GPU देखने को मिल जाता है, बाकी ये GPU कैसी परफॉर्मेंस देगा ये भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो काफ़ी अच्छा CPU और काफ़ी अच्छा GPU तो हमको इसके अंदर देखने को मिल ही जाता है अंडर 60,000 के बजट में। अब बात कर लेते हैं रैम की। तो इसके अंदर हमको देखने को मिलती है 8GB की DDR5 रैम 4800 MHz वाली। तो DDR5 रैम है तो यार ये काफ़ी बढ़िया बात है। और इसका 16GB रैम वाला मॉडल भी है जो कि आपको 62,000 या 63,000 का देखने को मिल जाएगा अभी सेल के टाइम में, अगर सेल खत्म हो जाएगी कल तक। तो मतलब जब ये वीडियो लाएगी तो हल्का सा कुछ टाइम के लिए शायद आपको इसका प्राइस हाइक मिले, बट जैसा कि मैंने बोला इस लैपटॉप के 8GB वाला वेरियंट अंडर 60,000 आता रहेगा बार बार, बढ़ता घटता। तो और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये लैपटॉप परमानेंटली अंडर 60,000 आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो ठीक है, अब 8GB रैम है DDR5 वाली है तो इसका एडवांटेज ये रहता है कि भाई एक DDR5 रैम ना अपने आप में ड्यूअल चैनल वाली परफॉर्मेंस दे देती है। तो यस आपको ये DDR5 रैम की वजह से काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस बूस्ट मिल जाएगा। स्टिल मैं आपको कहूँगा कि 16GB वाला रैम वाला मॉडल लेते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। बट ये है अंडर 60,000 वाली वीडियो, तो हम 8GB रैम वाले बात करेंगे ठीक है। और रैम को आप 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अंदर हमको एक 512GB की Gen 4 SSD देखने को मिल जाती है। तो SSD भी Gen 4 वाली है तो ये बहुत बढ़िया बात है भाई। लेकिन SSD का स्लॉट आपको एक सिंगल ही मिलेगा, तो अपग्रेड करनी है तो इस SSD को निकाल के आपको SSD लगानी पड़ेगी। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, बट स्टिल इसका भी मैं आपको एक उपाय दे सकता हूँ। आप ऑफलाइन रिटेलर से SSD ले सकते हो और आपकी पुरानी SSD ऑफलाइन रिटेलर बाय बैक कर लेते हैं। तो यस आपकी SSD वेस्ट नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत उसका पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ आप एक कर सकते हो ठीक है। बाकी बात करते हैं भाई लैपटॉप के लुक्स वगैरह की, लैपटॉप्स की बिल्ड की। तो जैसा कि यार मैंने रिसर्च किया ना, और थोड़े भाई आपको पीछे आगे पीछे के लुक्स आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएंगे, तो लुक वाइज ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। और मेरी रिसर्च के मुताबिक बिल्ड वाइज भी ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है। जिस प्राइस पॉइंट में आता है उस हिसाब से इसका बिल्ड काफ़ी अच्छा है। तो लुक्स और बिल्ड के मामले में लैपटॉप आपको निराश नहीं करेगा। अब इसका जो वेट है ना वो 1.98 kg है, और ये दिखता भी काफ़ी ज़रा MS, मतलब दिखता नहीं, मतलब ये है MSI GF63 थिन की तरह।
मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि भाई ये लैपटॉप है तो एक प्रॉपर गेमिंग सेगमेंट का, बट 2 किलो का लैपटॉप है, थोड़ा सा थिन है। तो कंपनी ने इसको ऐसा बनाया कि भाई चलो RTX 2050 तो लो पावर GPU है ही, 45 वॉट का, उससे ज़्यादा वो जा भी नहीं सकता था, बट इसका CPU भी हल्का सा ट्वीक्ड है कि कम TDP लेगा, और इसकी जो चार्जिंग ब्रिक है वो भी थोड़ी कम पावर वाली है, तो एक टाइप से ये अंडर परफॉर्म तो रहेगा, क्योंकि देखो मैं सही बताऊं तो ये थिन है। इसके अंदर आपको जो थर्मल सेटअप मिलेगा, मतलब जो थर्मल्स के लिए होगा, वो भी एक सिंगल फैन सेटअप ही है, और एक साइड से एयर एग्जॉस्ट है, एक ऐसे और एक ऐसे, मतलब एक पीछे से छोड़ेगा हवा, एक साइड से हवा छोड़ेगा, तो सिंगल फैन सेटअप है जैसा कि MSI GF63 थिन में है। बट मैं आपको ये बता दूं कि भाई कम पावर कंजप्शन होगा तो एक टाइप से ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीटिंग वीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब आप वो अलग बात है कि आप थोड़े ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग गेमिंग सेशंस कर रहे हो तो उसमें आपको हल्की बहुत प्रॉब्लम होगी, हल्की बहुत क्या प्रॉब्लम तो होगी। फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक कूलिंग पैड ले लो, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये इसका एक उपाय है। बाकी अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की कि ये परफॉर्मेंस कैसी देगा, तो भाई i5-12450H एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि आपके बेसिक काम तो बहुत ही आराम से संभाल लेगा, कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। आपको मल्टीटास्किंग करनी है, बेसिक यूजेज, ऑफिस टास्क ये सब करना है, वो बहुत इजीली हो जाएगा। आपको कोडिंग के लिए लेना है तो भाई हाई लेवल तगड़ी वाली कोडिंग कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग भी अच्छी कर देगा। मतलब जो बीटेक में होता है ना इंजीनियरिंग में, मैं खुद बीटेक वाला हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आपकी इंजीनियरिंग निकलेगी। इंजीनियर होते हैं भाई, ये सब देखते हैं, और दूसरी पढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ करनी हो तो वो सब हो जाएगा इसमें। बाकी आप प्रोडक्टिविटी की बात करो तो यार ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी हो, मतलब फोटोशॉप वगैरह चलाना हो तो वो आप कर सकते हो, 3D वाले काम नहीं भाई, फोटोशॉप वगैरह हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, ये सब हो गया, वो चल जाएंगे। वीडियो एडिटिंग करनी हो तो भाई वीडियो एडिटिंग भी आराम से 1080p वाली तगड़ी करवा देगा, 4K बेसिक वीडियो एडिटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब GPU की परफॉर्मेंस दूँ, मतलब गेमिंग में कैसा परफॉर्म करेगा, तो भाई RTX 2050 मिल जाता है, और गेमिंग करनी है अगर अच्छे से गेमिंग करना चाहते हो मतलब, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई ये कूलिंग पैड ले लेना, क्योंकि सिंगल पिन सेटअप है, स्टिल कम TDP वाला है, और प्रोसेसर भी थोड़ा ट्वीक्ड है, हल्की कम पावर वाला है, स्टिल अगर आप तगड़ी गेमिंग करने की सोच रहे हो, क्योंकि भाई 60,000 का लैपटॉप है, आप ऐसा तो सोच नहीं सकते कि बहुत ही खतरनाक गेमिंग कर डालोगे, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट कैजुअल गेमिंग भाई 60,000 के हिसाब से तुम समझते हो कि भाई इसमें कैसी गेमिंग हो सकती है, तो उस हिसाब की गेमिंग करनी चाहते हो और लॉन्ग लास्टिंग सेशन होंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कूलिंग पैड ले लो, ठीक है। बाकी यार इसमें आप आराम से वैलोरेंट जैसे गेम्स को, 8GB रैम वाला मॉड्यूल है तो भाई उसके हिसाब से बताता हूँ, तो आप आराम से 150+ FPS पे खेल जाओगे। 16GB वाला रैम वाला मॉडल ले लोगे तो 250+ FPS चले जाएंगे वैलोरेंट जैसे CSGO जैसे गेम्स में। बाकी अगर आप GPU इंटेंसिव गेम्स खेल रहे हो, बाई चांस आपको लाइक GTA 5 का मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ, भाई GTA 5 बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इस आराम से आप GTA 5 को हाई सेटिंग्स में एक 70-80 FPS वाला एक्सपीरियंस में खेल पाओगे, क्योंकि DDR5 रैम है तो वो एक एडवांटेज दे जाती है, ठीक है। प्रोसेसर और GPU भी अपग्रेडेड वाले हैं, नई जनरेशन के हैं, तो वो आपको एक गेमिंग में देगा। बाकी अगर आपको मॉडर्न AAA टाइटल्स खेलने हैं जैसे कि स्पाइडरमैन, माइल्स मोरल्स हो गया, तो ऐसे गेम्स को भी आप आराम से मीडियम सेटिंग 50-60, कुछ गेम्स में 70 FPS जैसे उस पर खेल पाओगे, क्योंकि भाई आपको DLSS का सपोर्ट मिल जाएगा, RTX वाला कार्ड है। अब 2050 वाला है तो एकदम फर्स्ट जनरेशन वाला DLSS है, स्टिल आपको एक परफॉर्मेंस बूस्ट तो वो देगा, तो उस हिसाब से आप मॉडर्न AAA टाइटल्स इसमें हल्का बहुत प्लेएबल FPS पे आराम से खेल पाओगे, तो उस हिसाब से ये लैपटॉप 60,000 के अगर नज़रों से देखा जाए तो ये लैपटॉप येस काफ़ी अच्छा है। आपको मतलब एक स्टूडेंट हो तो आप इस लैपटॉप को हाँ बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि 60,000 में अब आपको 1650 ही मिल रहा है, यही एक लैपटॉप है जो आपको 2050 ऑफर कर रहा है, या फिर कुछ और लैपटॉप्स आगे ज़रूर आएंगे। तो अगर अभी आपका बजट है 60,000 और आप एक अच्छा लैपटॉप ढूंढ रहे हो, तो भाई मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 1650 वाला लैपटॉप ना लेके ये लैपटॉप ले सकते हो। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, और कुछ डाउट हो वीडियो से रिगार्डिंग या फिर कोई भी लैपटॉप से रिगार्डिंग, इंस्टाग्राम पे आओ, दोस्ती आगे बढ़ाओ, और चलता हूँ। बस यार यही था आज की वीडियो में, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तक के लिए गुड बाय।